हेलो फ्रेंड्स, आप सभी गेट ईएस एस्पिरेंट्स को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हाउ टू क्रैक ग्रेट एंड ईएससी थ्रू ए साइंटिफिक अप्रोच में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम वन बाय वन उन सभी एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे जिनसे ना सिर्फ गेट एंड ईएससी बल्कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में आप इन्हें यूज कर सकते हैं। और इन एलिमेंट्स को देखने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फिगर शो करना चाहूंगा जो पर्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, आप ये फिगर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन गेट इन सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच एवरी ईयर्स का ये डेटा है। इन ईयर 2010 19,406 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और आप देख सकते हैं 2011 में इट इज 29,000, इन ईयर 14 इट इज 90,000 एंड ईयर 2016 इट इज अप्रॉक्स 1,18,000। तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन गेट आप देख सकते हैं, ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व है। सो ये एक ऐसा साइन है जो आपको ये बता रहा है कि किस तरह से कंपटीशन आप लोगों का हर साल बढ़ता चला जा रहा है। ये ध्यान में रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब आपको कम्पीट मोर देन 1,00,000 स्टूडेंट्स के साथ करना है, तो आपको कुछ ऐसा अलग करना ही होगा कि आपकी रैंक इन सभी लोगों से ऊपर हो। फ्रेंड्स, देयर आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स of scientific approach, but we will focus upon main five elements of this scientific approach. First one is self-belief, another is concept building, third one is smart scheduling, fourth is practice, and fifth one is follow until you succeed. So one by one hum in elements ke baare mein zikr karenge. Sabse pehle hum dekhte hain self-belief. Ye self-belief ek aisa element hai jo aapke अंदर खुद ब खुद डेवलप होगा और इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इंडिया में जितने भी गेट ईएस के टॉपर्स हैं वो किसी ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के ही स्टूडेंट्स होते हैं और वो किसी दूसरे प्लैनेट से नहीं आते। तो ऐसा वो क्या करते हैं कि वो टॉपर्स बन जाते हैं? इसका सिर्फ एक ही आंसर है और वो है द प्राइम एलिमेंट, दैट इज सेल्फ बिलीफ। बस आज के बाद आप भी ये ठान लो कि अगर वो ये काम कर सकते हैं तो आप भी ये काम डेफिनेटली कर सकते हैं। On the other hand, you have to stop thinking कि what others thinks about you. सोचिए कि एक mental block है कि आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो क्या सोचेगा, अगर मैं ऐसा decision लेता हूं तो वो क्या सोचेगा, और आप always अपना comparison किसी दूसरे वो के साथ करते रहते हैं। और एक period ऐसा आता है कि वो आगे निकल जाता है और आपके comparison के लिए कोई दूसरा वो खड़ा हो जाता है। तो आपको डिसीजन अपनी लाइफ का खुद लेना है, इसलिए आपको अब ये सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा कि आपके लाइफ का बैरियर कोई और नहीं, आप खुद ही हैं। और यही आपका सेल्फ बिलीव है कि अगर कोई भी इंडिया का टॉपर्स ये काम कर सकता है तो डेफिनेटली मैं भी कर सकता हूं। और आगे मैं आपको उन सारे एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। इसीलिए द प्राइम एलिमेंट्स ऑफ दिस साइंटिफिक अप्रोच इज सेल्फ बिलीफ। फ्रेंड्स, let's see the another important and I can say it is the foundation of your preparation of the scientific approach, that is concept building. ये concept है क्या? Friends, इसे समझने के लिए मैं अब आपको 2010 का एक fact बताना चाहूंगा। मैं इनका नाम नहीं reveal कर रहा। से एक student A है, दूसरा student B है। Student A ने 250 rank score किया gate में और student B ने 483 rank score किया gate में। अब इन फिगर्स को देख के आपको लगता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन 250 रैंक का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्टूडेंट बी जिसने 483 स्कोर किया है। अब मैं आपको बताऊं कि इस ए स्टूडेंट का सिलेक्शन किसी भी आईआईटी में नहीं होता, बट इस स्टूडेंट बी का सिलेक्शन आईआईटी कानपुर में हो जाता है। नाउ व्हाट इज द रीजन कि इस बी स्टूडेंट का सिलेक्शन आईआईटी कानपुर में हो गया? इसको समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी एग्जाम के दो फेज होते हैं, फर्स्ट वन इज रिटन एंड अनदर इज इंटरव्यू। तो इवन दो आपने रिटन में बहुत अच्छा AIR ले आया, बट आपका अल्टीमेट गोल अभी भी अचीव नहीं हुआ। और ये इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर के पैनल्स होते हैं, उन पैनल्स के मेंबर्स आपको फॉर्मूला नहीं पूछते कि रिनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला बताओ या फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला बताओ, वो डायरेक्ट हिट करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स पे, आपके फंडामेंटल, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हैं या नहीं। तो इस स्टूडेंट बी का सिलेक्शन सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि इसने इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया और काफी IITs में इवन रिटर्न करवा के फिर इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो गेट के बाद भी नेक्स्ट प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको स्ट्रेस देता हूं कि अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं किए
तो इवन दो आप गेट में अच्छा स्कोर करते हैं, ये हो सकता है कि आपका सिलेक्शन किसी भी IIT में ना हो। अब यहां देखिए, व्हाट इज कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज द लर्निंग द बेसिक एंड एसोसिएशन विद थ्योरी। आप जो भी थ्योरी पढ़ेंगे उसको आपको एसोसिएट करना पड़ेगा आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स के साथ। और फ्रेंड्स, इस पूरे प्रोसेस में जो टूल आपके लिए हेल्पफुल होगा वो होगा विजुअलाइज। आपको विजुअलाइज करना होगा जो भी थ्योरी पढ़े कि उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, फील्ड में उसका एप्लीकेशन क्या है, और कैसे जो बेसिक्स आपने पढ़े हैं आप उसको इस थ्योरी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। ये है एग्जांपल्स, फर्स्ट टॉर्सलीज लॉ एसोसिएशन विद सक्शन लिफ्ट। जब आप टर्बो मशीन में पंप्स पढ़ते हैं तो उसमें दो डिफरेंट हेड पढ़ते हैं, फर्स्ट वन इज सक्शन हेड, अनदर वन इज डिलीवरी हेड। सक्शन हेड में एक सक्शन लिफ्ट का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें डायरेक्टली आप 10.4 मीटर वाटर की सक्शन हाइट लेते हो। और फ्रेंड्स, मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स लर्निंग थ्रू एग्जांपल सीरीज में ये बताया कि ये वैल्यू कहाँ से आती है, और देखेंगे कि 11th फिजिक्स में आप जो टॉर्सलीज लॉ पढ़ते हैं आप कंपेयर कर सकते हैं और आई कैन से आप एसोसिएट कर सकते हैं इस टॉर्सलीज लॉ के साथ इस सक्शन लिफ्ट को। तो जब सक्शन लिफ्ट पढ़ाया जाता है तब आपको टॉर्सलीज लॉ नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी थ्योरी आप पढ़ें वो कहीं ना कहीं किसी बेसिक पे बेस्ड होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो किस बेसिक पे बेस्ड है। सिमिलरली एक सेकंड एग्जांपल लें, डेल ऑपरेटर। जब मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं तो वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ डेल ऑपरेटर पढ़ते हैं जिसमें ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस और लाप्लासियन डेल ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में जब आप वर्टेक्स फ्लो पढ़ते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी एलिमेंट का रोटेशन चेक करना है तो मैं उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स में आपने एक कर्ल ऑपरेटर पढ़ा है, वो कर्ल ऑपरेटर ऑलवेज किसी एलिमेंट के रोटेशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए FM में जब मैं वर्टेक्स फ्लो पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए था कौन सा ऐसा डेल ऑपरेटर है जो रोटेशन चेक करता हो। मैं एक थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि नंबर ऑफ IITs में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके पास एक पत्थर है, इस पत्थर को आप पानी में फेंकेंगे जो कि फ्लो कर रहा है, नाउ अब आपको चेक करना है कि ये फ्लो क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है कि सुपर क्रिटिकल है। फ्रेंड्स, इसे जानने के लिए आपको फ्रॉड नंबर जो कि एक वेव थ्योरी पे बेस्ड है उसे समझना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि फ्रॉड नंबर जो होता है उसे हम V/√GY से शो करते हैं, बिकॉज ये एक नंबर है इसीलिए न्यूमरेटर में जो यूनिट होगी डिनोमिनेटर की भी यूनिट वही होगी। ये वेलोसिटी है फ्लो की और ये √GY वेलोसिटी है वेव की। तो वेव थ्योरी से आप समझ पाएंगे पत्थर फेंक के कैसे बता सकते हैं कि ये जो फ्लो होने वाला है वो क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल। जब हम ओपन चैनल फ्लो पढ़ेंगे तब मैं इस थ्योरी को आपको डिटेल में समझाऊंगा। सो फ्रेंड, अल्टीमेटली कंक्लूजन इस एलिमेंट का यही है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ेंगे आपको फोकस करना होगा आपके कॉन्सेप्ट पे, आपके बेसिक्स पे। साइंटिफिक अप्रोच का जो दो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है स्मार्ट शेड्यूलिंग। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी शेड्यूलिंग स्मार्ट तरीके से आपको करना बहुत जरूरी है। बिकॉज एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम फाइट कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट है इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, अगर आप उसका वेटेज देखें तो मुझे लगता है वो सबसे लीस्ट वेटेज है, बट आप वो बुक देखेंगे जो इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में यूज की जाती है वो बहुत ही मोटी बुक है। इट मीन्स अगर आप सिर्फ इरिगेशन की तैयारी करें तो हो सकता है आपको पूरा साल सिर्फ उस सब्जेक्ट की तैयारी करने में लग जाए। इसलिए आपकी शेड्यूलिंग ऑलवेज स्मार्ट होनी चाहिए, और वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिंक्रोनाइज यूअर शेड्यूल विथ सिलेबस। इसके लिए आपको एनालिसिस करनी होगी जिसे नाम हमने दिया है फ्रिक्वेंसी एनालिसिस, वेटेज ऑफ सब्जेक्ट एज वेल एज चैप्टर्स। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप सब्जेक्ट का वेटेज देखें कि लास्ट 10 ईयर्स में सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस जो गेट में पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, आप ये ग्राफ से उनकी एनालिसिस को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप यहां देखें टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर 13। इन 13 सब्जेक्ट्स में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए आप देख सकते हैं वो है जियोटेक्स। अब मैं ऐसे 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूं जिसका वेटेज इसमें सबसे ज्यादा है, और वो सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज जियोटेक 165 क्वेश्चंस, सेकंड वन इज मैथमेटिक्स 110, थर्ड वन इज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग
106 questions. Fourth is 102. And fifth one is highway or I can say transportation engineering, 86 question. अगर आप इनका summation देखें तो ये value आपको मिलेगी around 569. And total number of questions अगर आप add up करें तो ये value मिलेगी आपको approx 959. So guys, इन पांच subject का weightage approx 60% है. अब मैं आपको एक और important data बताना चाहूँगा कि year 2011 में जो टॉपर का स्कोर था वो था 74.3. इट मींस आउट ऑफ 100 यू हैव टू स्कोर 74.3 एंड यू विल गेट AIR 1. सो एक इम्पॉर्टेंट डेटा आपके दिमाग में ऑलवेज बैठा रहना चाहिए कि मुझे 100% के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी है और ना ही मुझे 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं गेट में. अगर मैं टॉप 100, टॉप 500 अचीव करना चाहता हूं तो मुझे इस 75% को ही टारगेट करना होगा. और आप देखें इन टोटल 13 सब्जेक्ट्स की तैयारी करने की भी आपको जरूरत नहीं है. आप इंपॉर्टेंट 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के अंदर आपको डीप स्टडी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप टॉप 100, टॉप 500 स्कोर कर सकते हैं. सो फ्रेंड, 60% प्लस आप कोई भी इसमें से एक ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, से आई कैन से RCC अगर और SOM अगर आप सेलेक्ट करो, 75 प्लस 75 दैट इज 150 और 150 आउट ऑफ 959 देखें तो ये 15% के आसपास होगा. तो आप इन पांच प्लस ये दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आप 75% सब्जेक्ट कवर कर लेंगे और इजिली यू कैन स्कोर इन टॉप 100 और आई कैन से इन टॉप 500. इससे आप एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम सेव कर सकते हैं इन लास्ट फ्यू डेज इन द प्रिपरेशन ऑफ गेट और ESC. और अगर एक बार मैंने सब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर लिए उसके बाद मैं एनालिसिस करूंगा कि मेरी चैप्टर वाइज स्टडी कैसी होनी चाहिए. अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे चैप्टर्स को भी वेटेज दिया है. मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ. से फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्लड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जिसमें अगेन 13 चैप्टर्स हैं और आप देखेंगे कि ओपन चैनल फ्लो से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए इन लास्ट 10 इयर्स दैट इज 52. उसके बाद आप देखेंगे कि वेटेज सबसे ज्यादा है फ्लो थ्रू पाइप्स का एंड देन उसके बाद फ्लूड डायनामिक्स एंड देन फ्लूड काइनेमेटिक्स. फ्रेंड्स, इसमें अगर आप हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करें तो अगर मैं OCF देखूं तो 52 क्वेश्चंस प्लस देन फ्लो थ्रू पाइप्स देखूं तो 21 क्वेश्चन, फ्लूड डायनामिक्स देखूं तो 18 क्वेश्चन एंड फ्लूड काइनेमेटिक्स देखूं तो 13 क्वेश्चन. अगर इन चार चैप्टर्स की आप एनालिसिस करो तो 104 क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर में पूछे गए आउट ऑफ 173. अगर आप इनका टोटल करें तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 173 और इनका वेटेज अगर आप देखें तो इट वुड बी 60%. सो फ्रेंड्स, ऐसे वेटेज देके आप चैप्टर्स को पता कर सकते हैं कि किन चैप्टर्स को मुझे सबसे ज़्यादा वेटेज देना होगा जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा है. और ये फ्रिक्वेंसी एनालिसिस सब्जेक्ट्स का एज वेल एज चैप्टर्स का, आप किसी भी ब्रांच से गेट या ES की तैयारी कर रहे हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है कि आपको किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देना होगा, इसकी कैलकुलेशन करना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू क्रैक गेट, ES और अदर एग्जाम्स की प्रैक्टिस कैसे की जाए. हम सीखेंगे एक मैथडिक अप्रोच जिसे हमने नाम दिया है SV अप्रोच, जो कि है सिमुलेशन एंड वैलिडेशन अप्रोच. आपको ये महसूस हो रहा होगा कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों है. मैं आपको बताना चाहूँगा कि साल भर या दो साल आप गेट या ES के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आप देखोगे कि एग्जामिनेशन हॉल में साल दो साल की मेहनत के लिए आपके पास होते हैं सिर्फ 3 घंटे और उन 3 घंटों में देर आर मोर देन 150 चैप्टर्स, 1000 ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड मोर देन 3000 ऑफ फॉर्मूलेज. उन 3 घंटों में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपका माइंड उस समय उसको कैसे रिकॉल करता है. और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि माइंड के रिकॉलिंग की प्रोसेस डिपेंड करती है ग्रास्पिंग कैपेसिटी ऑफ माइंड में, जो फॉलो करता है एक इंटरमिटेंट पैटर्न को या जिसे मैं कहूँ एक नेचुरल फिनोमिना को. इसे हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. इसके साथ ही साथ हम लास्ट एलिमेंट देखेंगे दैट इज फॉलो इट अंटिल यू सक्सीड. मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ हाउ टू क्रैक गेट IES बाय साइंटिफिक अप्रोच को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा. तब तक के लिए देखते रहिए रेकॉन सिविल अकेडमीज के वीडियोज. अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा.